दिस इज साइड फ्रॉम लेट्स गो ट्रैवल 1.0. आज मैं आपके साथ अपने चैनल के थ्रू शेयर हो रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी ट्रैवलिंग में करता हूँ, आपको पता होगा, और जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं उनको अभी तक मैंने अपडेट नहीं दिए कि मैं दुबई आ चुका हूँ और दुबई में मैं वर्क कर रहा हूँ ट्रैवल एंड टूरिज्म का. इस कंपनी का नाम है ईजर ट्रैवल एंड टूरिज्म. अच्छा, बहुत अच्छे यहाँ पर जितने भी ऑफिस हमला है बहुत ज़बरदस्त हैं और फ्रेंडली बिल्कुल माहौल रखा हुआ है क्लाइंट्स के साथ. अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर वीज़ा रेशियो कौन सी अच्छी है, किस कंट्री की अच्छी है और किस तरह अप्लाई हो सकती है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा. सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है और आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उसमें लाखों रुपये रखे हों, लेकिन आपके पास इतनी बैंक स्टेटमेंट है कि आपके पास 3 मंथ्स की अच्छी मेंटेन बैंक स्टेटमेंट है. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो हैंड टू हैंड कैश पर डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान में भी ट्रैवल करता था तो वो मुझसे मस्ट रिक्वायर्ड उनकी होती थी बैंक स्टेटमेंट. तो बैंक स्टेटमेंट आपके जो पर्सनल होती है इसमें या कंपनी की होती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपके ट्रैवल में. ट्रैवलिंग में इसलिए होता है क्योंकि आप जब भी ट्रैवलिंग करने जाते हैं तो वो आपसे बैंक में स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करते हैं और आप उन्हें ये कहते हो कि यार इसमें हमारी सैलरी आ रही है और वो सैलरी हम यूज़ करते हैं. ज़्यादातर क्या करते हैं, अपनी सैलरी जैसी आती है बस वो उसी वक्त उसको विड्रॉ करवा लेते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि यार सैलरी. अब वो बैंक आपके 3 मंथ्स स्टेटमेंट क्यों मांगती है, इसलिए मांगती है कि वो देखती है कि अगर आपने अपने सैलरी को मैनेज किस तरह करते हैं. ये नहीं कि वो हैंड टू माउथ हो जाए, जैसे ही सैलरी आई उसने दूसरे दिन आपने विड्रॉ कर ली सारी और उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर आप बैठे हुए हो इंतजार कर रहे हो कि यार हमारी सैलरी फिर आएगी, हम उसे यूज करेंगे और यूज करने के बाद फिर हम उसको दोबारा क्या नाम है जैसी आएगी हम विड्रॉ कर लेंगे. तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छा रेशियो जो चल रहा है वो जापान का ई वीज़ा है. बहुत ही इजीली एमिरेट्स आईडी पर आपको वो मिल रहा है, ना आपको बायोमेट्रिक की ज़रूरत है, ना आपको जाने की ज़रूरत है, ना आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है. विद इन 25 डेज आपको बहुत अच्छे इसके रिस्पांस मिल रहा है. बजाते खुद हमारे मतलब जो फ्रेंड्स हैं उनके कुलीग थे वो आए थे और उनका सक्सेस जापान का वीज़ा आ गया. मैं आपके साथ इसमें इंशाल्लाह उसके वो भी शेयर करूँगा, पीडीएफ फाइल भी शेयर करूँगा, फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा कि उनका सक्सेस वीज़ा इसी मंथ में आया है. अब वो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं. वो बैंक स्टेटमेंट आपको मेंटेन कैसे रखनी है, जैसे आपकी सैलरी आती है आप उसमें पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद ये होता है कि कम से कम 4 से 5 दिन आपने सैलरी को यूज़ ही नहीं करना. यूज़ किस तरह करना, आपने अपने ज़्यादातर जितने भी दुबई में लोग रहते हैं वो क्रेडिट कार्ड की तरफ बहुत जाते हैं. ये उनकी मेरे ख्याल से समझदारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपसे कट कर रहा होता है. वो पॉइंट्स उस वक्त आपको देखे जब आप उसको जब किसी चीज में आप यूज करते हो. उससे अच्छा आपके लिए डेबिट कार्ड होता है. डेबिट कार्ड जब आप लेते हैं ना आपने किसी को जवाब देना है, ना आपने किसी से जवाब लेना है, ना आपको टेंशन है कि महीने के एंड में मुझे सैलरी कहाँ पर एक्सपेंड करनी है, अकोमोडेशन में, फूड्स में, या अपने ग्रोसरी में, या अपने पर्सनल यूज में, या अपने घर पर उसको सेंड करनी, तो ये आपको टेंशन कम हो जाती है डेबिट कार्ड में. उससे क्या करना है, जैसे आपकी सैलरी आपके कार्ड में आती है तो आपने क्या करना है, उस कार्ड को यूज किस तरह करना है मैं आपको बताऊं. अगर आपके पास बिल फॉर 3000 आई है तो 3000 के बाद आपने क्या करना है, 3000 आपके पास आ गई, आपने अपनी सैलरी 3000 आपके पास आ गई, आप कहीं पे भी जाते हैं, आपने 1 रुपए की चीज भी लेनी है तो आप अपने अकाउंट के जो क्रेडिट कार्ड होता है या डेबिट कार्ड होता है उसे यूज करें. जितना आप उसे यूज करेंगे, जितनी आपकी ट्रांजेक्शन आएगी, आपने दिन में कम से कम 7 से 8 ट्रांजेक्शन करनी है. बैंक और एम्बेसी हमेशा आपकी ट्रांजेक्शन देखती है कि यार इस बंदे ने किस तरह अपने बैंक अकाउंट को मैनेज रखा है. मैंने अपने जो मेरा पर्सनल यूज का बैंक अकाउंट था पाकिस्तान में, मैं उससे इतना अच्छा मेंटेन रखता था कि मैं कहीं पे भी जाता था मेरे पास कैश अमाउंट बहुत कम होता था, मैं सिर्फ अकाउंट ही यूज़ करता था और क्रेडिट कार्ड सॉरी HBL का, मिजान का, इसके कार्ड मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए. इसलिए यूज़ किए कि ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आया. मैंने जब भी वीज़ा अप्लाई किया है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कारामदा साबित हुए. तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी इसी तरह अपने ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, आप किसी कंट्री जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी किसी कंट्री अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बने, तो उसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट होना लाजमी है. अब आपको मैं बताता हूँ कि इस वक्त जापान का रेशियो बहुत अच्छा है. ईजेड ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी के साथ मैं अटैच हूँ, यहाँ पर मैं वर्क कर रहा हूँ और मुझे यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही
पोलाइटली आपको गाइड करते हैं, आपका रिस्पॉन्स देते हैं। ज्यादातर जितनी भी ट्रैवल एजेंसियां हैं दुबई में, आप उन्हें मैसेज करें तो आप एक एक दिन रिप्लाई करने का वेट करते हैं उनका कि यार ये हमें रिप्लाई क्यों करेंगे। अभी तक मैं अपनी वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं यहाँ पर आया था, मैं वर्क को सर्च कर रहा था। जैसे वो मुझसे सेटिस्फाई हुए तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप एक मंथ हमारे साथ ट्राई दें, हमें ट्रायल पर रहें, इंशाल्लाह हम आपको परमानेंट कर देंगे, हम आपको वीजा इशू कर देंगे। तो उसके बाद जाकर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनसे सेटिस्फाई हो गया, मेरे काम इनको अच्छा लगा और जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जो कुलीग हैं, जो मेरे दोस्त हैं यहाँ पर दुबई में रहते हैं या यूएई कहीं पर भी रहते हैं, शारजा में रहते हैं, अजमान में रहते हैं, रसूल खैमा में रहते हैं, आलम में रहते हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ पर दुबई में वर्क करवाना चाहते हैं तो हम आपको बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि जापान डन बेस्ड वीजा है। जो मेरे फॉलोवर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड है जापान के वीजे में तो आप हमसे जरूर कॉन्टेक्ट करें, हम आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल लेट्स गो ट्रैवल 1.0 को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन दोस्तों को इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।